जय माता दी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद्र देवता की पूजा कैसे की जाती है, चंद्र देवता को कैसे अर्घ दें। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक लोटे में पानी, इसी से हम चंद्र देवता को जल देंगे। तो मैंने इसमें गंगा जल और दूध डाला है और थोड़े से फूल भी डाले हैं। आप चाहें तो लाल फूल भी डाल सकती हैं। देखिए कुछ लोगों के यहाँ करवे से चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है और करवे में ही पानी भी भरते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अर्घ देने के लिए अलग से लोटे में पानी लिया जाता है और इसी से हम चंद्र देवता को अर्घ भी देते हैं। तो आपके यहाँ जैसे भी रिवाज है आप वैसे कर सकती हैं। दूसरा, मैंने यहाँ हल्दी ले रखी है, कुमकुम ले रखा है, अक्षत ले रखा है और चंदन ले रखा है। ये सभी चीजें हम चंद्र देवता को अर्पित करेंगे। इसके बाद व्रत खोलने के लिए आप कोई भी मिठाई ले सकती हैं, या तो फिर कोई भी मीठा जो आपने घर पे बनाया हो, जैसे कि हलवा, खीर, आप वो भी ले सकती हैं व्रत खोलने के लिए। इसके बाद व्रत खोलने के लिए आपको पानी का एक लोटा लेना है जिससे हम व्रत खोलेंगे, और आप चाहें तो ग्लास में भी पानी ले सकती हैं, और यही पानी पीकर आपको व्रत खोलना है। इसके बाद हमें चाहिए एक मिट्टी का दीपक, यही दीपक हम छलनी में रखकर चंद्र देवता के दर्शन करेंगे। और यहाँ मैंने फल ले रखे हैं, दो केले जो मैं चंद्र देवता को चढ़ाने के लिए मैंने लिए हैं। तो आप कोई भी फल ले सकती हैं और थोड़े से फूल भी ले सकती हैं। इसके बाद हमें एक छलनी भी चाहिए, यहाँ मैंने स्टील की छलनी ली है। आप प्लास्टिक की छलनी लेंगे तो जब आप यहाँ दीपक रखेंगे तो छलनी के जलने का डर रहता है। फिर मन में एक अपशगुन वाली बात भी आ ही जाती है, अगर प्लास्टिक की छलनी आप यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ दीपक बिल्कुल भी ना रखें। तो देखिए ये तो हो गई पूजन सामग्री, अब मैं आपको पूजन विधि बता रही हूँ चंद्र देवता की पूजा कैसे करनी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये एक डेमो वीडियो है, अभी चांद नहीं निकला है। बस मैं आपको एक पूजा विधि बता रही हूँ कि करवा चौथ के दिन कैसे आपको पूजा करनी है। तो हमने जो भी हल्दी, कुमकुम, चंदन लिया है उसे हम यहाँ पर चंद्र देवता को चढ़ाएंगे और अक्षत भी उनको अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे चंद्र देवता को कुमकुम, हल्दी, चंदन अर्पित कर रही हैं और इनको चंद्र देवता को कुमकुम, हल्दी, चंदन अर्पित करने के बाद, अक्षत अर्पित करने के बाद हम चंद्र देवता को अर्घ देंगे। देखिए सबसे पहले आपको अर्घ देते वक्त थोड़ा सा जल डालना है, फिर तीन बार आपको परिक्रमा लेनी है। पहली एक परिक्रमा लेने के बाद आपको जल चढ़ाना है, फिर दूसरी परिक्रमा लेकर आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है, फिर तीसरी परिक्रमा लेके आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है। अगर आप परिक्रमा करते समय जल चढ़ाना भूल जाती हैं तो जल चढ़ाने के टाइम पर सारा जल एक ही बार में चढ़ा दें, फिर एक ही जगह पर खड़े होकर तीन बार परिक्रमा कर लें। तो इनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकती हैं। आप जो छलनी ली है आपने उसमें आप दीपक रखेंगे और चंद्र देवता को दर्शन करेंगे और चंद्र देवता को देखने के बाद इसी छलनी से आपको अपने पति को देखना है और उनकी आरती भी करनी है और उनके पैर छूकर आपको आशीर्वाद लेना है। इस दीपक को आप वहीं रख दें, मतलब वहीं जलता छोड़ दें। आप चाहे तो बालकनी में भी रख सकती हैं या फिर छत पर भी रख सकते हैं, और जो भी फल फूल आप लाई थी मन ही मन उनको ध्यान करके आप अर्पित कर दें। उसके बाद जो जल का लोटा आप लाई थी उसको अपने पति के हाथ से पानी पी लें और जो भी मिठाई आप लाई थी उसे खाकर अपना व्रत खोल सकती हैं और फिर नीचे जाकर आप खाना खा सकती हैं। तो इस तरीके से करवा चौथ के दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है, उनको आप अर्घ दे सकती हैं, इसी तरीके से पति का पूजन भी कर सकती हैं। अगर आपको मेरी पूजा विधि पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।